नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच पुनः केमिस्ट्री के धातु अधातु चैप्टर से अजैटिक क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं अजैटिक क्वेश्चन। पहला जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपका, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, मतलब सीसा और टीन दोनों से अगर मिल करके कोई बना हुआ होगा मिश्र धातु उसे क्या कहते हैं, सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे, सोल्डर कहेंगे। अगला देखते हैं, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं, तो यह विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें जो है आंसर चला जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक सक्रिय धातु है वो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है वो पोटेशियम आता है, पोटेशियम चला जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो अधातु के बारे में बोला गया है तो अधातु जो है इसमें ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अधिक तन्य कौन है, तो तन्य कौन है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या सोना। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है, मतलब कौन सा ऐसा धातु है जिसको कि चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन। तो इसमें लिथियम को काटा जा सकता है चाकू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, सोना, सोडियम, लोहा या तांबा। मतलब इसमें धातु से, ये धातु जो है वो वायु से अभिक्रिया नहीं करता है इसके बारे में ये कह रहा है, तो इसमें किसका आंसर होगा, सोना होगा। सोना कम जो है वो अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, ऐसे गुण को क्या कहते हैं, तो ऐसा गुण जो है वो तन्यता, आघात, वर्धता दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आघात वर्धता इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो यानी कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का या सोने का। तो इसमें चला जाएगा हमारा जो आंसर होगा वो टंगस्टन का चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीतल क्या है, मतलब धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल जस्ता और कॉपर का मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा तांबा, चांदी, सोना या जिंक। तो जिंक का, और जिंक का लोहे के ऊपर परत चढ़ाने की जो क्रिया है उसे कहते हैं जस्तीकरण, उसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो आपको ये अगर पूछे कि गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, तो लोहे के ऊपर या किसी धातु के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाने की जो क्रिया होगी वो गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा, जस्तीकरण कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट में, तो इसे 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। जितने भी धातु होते हैं वे प्रायः विद्युत धनात्मक होते हैं, इसका मतलब विद्युत धनात्मक में चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम जो सोना है उसमें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, इसलिए सबसे लंबा जो तार है वो सोने का बन सकता है। तो इसमें जो आंसर चला जाएगा वो 2 किलोमीटर का लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोने में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वोत्तम सुचालक है। CU, AG, AL होना चाहिए यहाँ पर, AL या FE। तो इसमें सबसे अधिक सुचालक जो है वो आता है हमारा AG, यानी कि चांदी। चांदी सर्वोत्तम सुचालक धातु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Na यानी सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर पोटेशियम सबसे अधिक जो है वह क्रियाशील धातु में आता है, के चला जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। Na, Ca, Li, यहाँ पर Li नहीं, L, यहाँ पर AL होगा। तो इसमें बोला कि हेमेटाइट किसका है, तो Fe का होता है, यानी कि लोहे का अयस्क है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, मतलब ज्वलनशील कौन है। लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। तो सफ़ेद फास्फोरस स्वतः दहन होता है, इसलिए सफ़ेद फास्फोरस चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। सोना, चांदी, जिंक या हीरा। हीरा कार्बन का बना हुआ होता है और यह सबसे कठोर, कहीं कहीं पर पदार्थ भी दिया रहेगा सबसे कठोर पदार्थ, वहाँ भी हीरा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुल क्वेश्चन जो है 20 है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन ही इस वीडियो में बन पाए। आगे के वीडियो में मैं अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।